नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एक्सवेटर कमट्सु PC210 का स्विंग गियर डिवाइस कैसा रिपेयर करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था एक्सवेटर कैट 320D2 का अल्टरनेटर कैसा रिपेयर करते हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस डिवाइस का पार्ट कैटलॉग चाहिए तो आपको मैकेनिक ज्ञान ऐप जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सभी टाइप के मशीनों, गेयरबॉक्स, इंजन और एक्सेलेरेटर, रोलर ग्राइंडर, सभी टाइप के पार्ट कैटलॉग मौजूद है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं स्विंग गियर डिवाइस के पास में और आज के इस वीडियो में हम इस स्विंग गियर डिवाइस को असेंबल करना सीखेंगे। और भी दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ बताएंगे पार्ट नेम के साथ में। तो दोस्तों, ये है स्विंग गियर कवर। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस गियर में ऑयल सील डालना है। दोस्तों, हमने इस स्विंग गियर को इसी वजह से खोला था, ये ऑयल सील लीकेज होने की वजह से जिस जगह पे ग्रीस चलता है उस जगह पे ऑयल आ गया था। मतलब साफ है कि इस ऑयल सील के लीकेज होने से स्विंग गियर जिस जगह पे ग्रीस चलता है उस जगह पे गियर ऑयल लीकेज हो गया था। तो दोस्तों, हमने ये ऑयल सील को चेंज कर दिया है और ऑयल सील को कवर में फिट करने के बाद में आपको शाफ्ट में फिट करना है। और शाफ्ट में फिट करने के बाद में दोस्तों, देख सकते हैं ये बेयरिंग, ये जो कि इसका पार्ट नंबर भी हमने दिखाया है, इसको आप नोट करके रख सकते या तो फिर आप प्ले स्टोर से मैकेनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारा कुछ आपको पार्ट कैटलॉग मौजूद है, जो कि एक्सवेटर, रोलर, ग्रेडर, पेवर और सभी टाइप के DG, कंप्रेसर, एटलर, सभी का पार्ट कैटलॉग मौजूद है। उसमें ऑल टाइप के इंजन हैं, ऑल टाइप के गियरबॉक्स हैं, ऑल टाइप के व्हीकल्स हैं, और सभी टाइप के पार्ट कैटलॉग मौजूद है। तो दोस्तों, हमने थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे स्किप कर दिया था और इस बेयरिंग को हल्का हल्का दोनों साइड में चोट मारते मारते इसको इस शाफ्ट में फिटिंग करना होता है, जो कि हमने फिट कर दिया है। अब दोस्तों, हमें इस जगह पे इसे फिट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले एक डिस्क ले लेते हैं और डिस्क के ऊपर हम और इस कैस में हमें फिटिंग करना है। दोस्तों, इसका नाम है कैस और इसी कैस के अंदर हमें इस शाफ्ट को फिटिंग करना है, जो कि हमने अभी असेंबल किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, इस शाफ्ट को फिटिंग करते समय आपको ध्यान में रखना है बेयरिंग के ऊपर भी ऑयल लगा लेना है और जिस जगह पे बेयरिंग फिटिंग होता है उस जगह भी आपको ऑयल लगाना है। उसके बाद में शाफ्ट को लगाने के बाद में आपको एकदम बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मैच करना है। देख सकते हैं, थोड़ा सा भी आउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसा सेंटर आ गया तो आप गियर के सेंटर में हैमर, हल्का हल्का हैमर चलाकर आप इस शाफ्ट को इस कैस में फिटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कितना इजीली हम हल्का हल्का हैमर से चोट मार रहे हैं गियर के ऊपर, उसके बावजूद भी एकदम धीरे धीरे वो शाफ्ट फिटिंग हो रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हमने गैप रखा है। उसके बाद में हम पहले जो इस कवर है, इस कवर का होल सेट कर लेते हैं, मतलब होल मिला लेते हैं। उसके बाद में हम इस शाफ्ट को पूरा अंदर फिटिंग कर देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, और हमने दोस्तों इसके फेस में एनाबोन लगा दिया था और देख सकते हैं ये पूरा जो कवर है पूरा चिपक चुका है कैस से। अब उसके बाद दोस्तों, हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं और इस सारे बोल्ट को टाइट कर लेते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये जो कवर है, कवर के बोल्ट को टाइट कर दिया है। चलिए अब हम इस कैसिंग को घुमा लेते हैं और घुमाने के बाद दोस्तों, अब हम आगे इस साइड से कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा छोटा बेयरिंग। इस शाफ्ट के अंदर दो बेयरिंग लगते हैं, जो कि पहला बेयरिंग हमने बड़ा फिटिंग कर दिया था और ये है छोटा बेयरिंग। बाद दोस्तों, इसमें ऑयल डाल लेना है और ऑयल डालने के बाद में आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल लीकेज है या नहीं।
उसके बाद दोस्तों हमें प्लैनेटरी कैरियर को फिटिंग कर देना है। देखा दोस्तों, हमने जिस जगह पे उसका तीत देखा था उस तीत को इस शाफ्ट से मैच कर देना है। और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर एक बोल्ट लगता है, एक प्लेट लगता है, उसके ऊपर एक बोल्ट है, उस बोल्ट डायरेक्ट उस शाफ्ट में जाके टाइट हो जाएगा, मतलब ये कैरियर उस शाफ्ट से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके हम फटाफट टाइट कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने प्लैनेटरी कैरियर को फिट कर दिया है। अब रहा ये सनगेयर, जो सनगेयर का जो पतला भाग है वो ऊपर होना चाहिए और जो नीचे में मोटा भाग है वो नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर और एक प्लैनेटरी कैरियर फिटिंग करना है अभी हमें। उसके बाद दोस्तों कैसिंग के ऊपर एक ओरिंग लगता है, उस ओरिंग को एनाबोन से बढ़िया भिगा लेना है और उसके बाद में ओरिंग को फिटिंग करना है। और ओरिंग को फिटिंग करने के बाद आपको रिंग गियर फिटिंग कर देना है। दोस्तों रिंग गियर का होल मिलाना है और होल मिलाने के बाद में आपको जो प्लैनेटरी गियर का टीथ मैच करना है और मैच करने के बाद में आपको डायरेक्ट फिटिंग कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आसानी से गियर फिटिंग हो चुका है। चलिए अब हम उसका जो बोल्ट है, बोल्ट का सेंटर मिला लेते हैं और उसे हम छोड़ देते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, ये है सेकंड प्लैनेटरी कैरियर असेंबली और ये है नीचे साइड का पोर्शन जो कि इस जगह पे सन गियर पे फिटिंग होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सन गियर के ऊपर ये छोटा जो प्लैनेटरी कैरियर असेंबली है जाके फिट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें एक और सन गियर फिट करना है जो कि छोटा है। चलिए ये देख सकते हैं, ये टेपर वाला भाग जो है नीचे साइड होना चाहिए और जो कॉलर वाला भाग है ये ऊपर साइड होना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जो रिंग गियर का बोल्ट हमने छोड़ दिया था, हम उनके होल मिलाकर सारे बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम वीडियो को करते हैं स्किप और डायरेक्ट हम बढ़ते हैं आगे। और देख सकते हैं हमने इस कैसिंग के अंदर 5 लीटर SI30 ऑयल डाल दिया है। अब उसके बाद दोस्तों हमें डायरेक्ट स्विंग मोटर फिट कर देना है। दोस्तों हमने स्विंग मोटर का भी वीडियो बना लिया है और हम इसे कल की वीडियो में अपलोड करने वाले हैं और हम इस स्विंग मोटर रिपेयर करते हुए कल के वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों स्विंग मोटर का जो मेन शाफ्ट है वो शाफ्ट जो सन गियर हमने बताया था उस गियर के टीथ से मैच करना है। तो दोस्तों एकदम स्विंग मोटर को एकदम सेंटर में रखना है, सेंटर में रखने के बाद में टीथ को मैच करना है और उसके बाद देख सकते हैं डायरेक्ट स्विंग मोटर फिटिंग हो चुका है। अब स्विंग मोटर को हम अपने जो सेंटर पोजीशन पे ले लेते हैं, जिस पोजीशन पे फिटिंग होना चाहिए उस पोजीशन पे घुमा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें स्विंग मोटर के टोटल 6 बोल्ट को टाइट करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये स्विंग मोटर जिस जगह पे बोल्ट लगना है इस जगह पे हमें बोल्ट लगाकर अच्छे से टाइट कर लेना है। और ये देख सकते हैं इस जगह पे ऑयल गेज लगाना है और उसके बाद ये स्विंग गियर डिवाइस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।